राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज राजकीय भरतिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल की सफाई व्यवस्था को देखकर नाराजगी जताते हुए राठौड़ ने कहा कि अस्पताल खुद बीमार है, इसमें दूसरों का इलाज कैसे होता होगा। उन्होंने कहा कि फिजिशियन ओपीडी में नहीं बैठते हैं। अस्पताल के हर कोने में लगे मकड़ी के जालों को देखकर राठौड़ ने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हनुमान जयपाल से कहा कि सफाई कर्मी अगर काम नहीं करते हैं तो उनको हटाकर दूसरे लगाओ। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ भी ड्रेस कोड में नहीं थे, जिस पर राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर खुद एप्रेन में नहीं है। एक्सरे रूम का निरीक्षण करते हुए रेडियोग्राफर को फटकार लगाते हुए राठौड़ ने कहा कि जहां बैठते हो वहां की व्यवस्था में सुधार करो। अस्पताल परिसर के बाहर लगे घास फूस को देखते हुए कहा कि हम तो यहाँ खुद मलेरिया व डेंगू को आने का न्योता दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि MCH के एक वार्ड में प्रसूता को ऑक्सीजन पॉइंट पर ग्लूकोज की बोतल लटका कर लगा रखी थी, जिस पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाएं राम भरोसे ही हैं। मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए इस जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय का मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया। बहुत सी कमियां भी आई है। जब से डॉक्टर जयपाल आए हैं कुछ उन्होंने कोशिश जरूर की है, पर यह पूरा चिकित्सालय खुद बीमार है। डेंगू पैर पसार रहा है, वेक्टर बोर्न डिजीज है और पूरे चिकित्सालय की मूल रूप से पूरी सफाई की आवश्यकता है। डॉक्टर्स एप्रिन में नहीं, सारे कूलर खराब और सारी इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मैं आज जिला कलेक्टर को कहूँगा, एक बैठक भी करेंगे। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात करूँगा। यहाँ सोनोग्राफी के अंदर डेढ़ महीने की वेटिंग चल रही है, सोनोग्राफी आज बंद पड़ी है। ट्रोमा का मेन मुख्य गेट बंद पड़ा था, मैंने खोलने के लिए कहा है, सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा है और आउटडोर के अंदर चिकित्सक समय पर उपस्थित रहे इसके लिए मैंने अधीक्षक को भी कहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि व्यवस्था में सुधार होगा। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, क्योंकि मैं राज्य का 8.5 साल तक मंत्री रह चुका हूँ चिकित्सा विभाग का, मैं मुझे न केवल आंदोलन करना पड़ेगा बल्कि मैं विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। क्योंकि हमने इस मेडिकल कॉलेज को लेकर इस आशय से आए थे यहाँ के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, फिर ये खुद बीमार हॉस्पिटल किस प्रकार की सुविधा देगा। मैंने आज पहली बार यहाँ काफ़ी दिनों बाद में आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि व्यवस्था में सुधार जी। लोग बैठने लगे पहले दिखते नहीं रहे, सर्वाधिक मरीज हिंदुस्तान में राजस्थान एयरपोर्ट गया, ये यहाँ डिस्प्ले करके हुआ इंसान
ये तीन बच्चे हैं ट्रेनिंग बच्चे ये तो बच्चे हैं ट्रेनिंग की आप विचार दे रहा करो ये भी काम में तो कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो विचार लेते हैं गवर्नमेंट उसके एजेंसी से ठीक है ना लोट 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 आई गो ब्लैकलिस्ट यू ये ना मजाक इस पे क्या ये उसका भी लो लो भाई आप ये जो स्किल मजाक कर रहे हैं अभी उसको बढ़ा रहे हैं नथिंग अबाउट इट लो उसका ठीक है राइट दिस इज द वे आई एम गोइंग टू लो टोटल 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 में तो कोई 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 यूज कर सकता है क्या आज स्वस्थ आदमी टॉयलेट में जा सकता है क्या बनाने वाला ने बना दिया ये क्या बड़ा